फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया हैं। चलिए आज बनाते हैं कुट्टू के आटे से पकौड़ा। एक कप हमने कुट्टू आटा ले लिया है, एक कप चॉप आलू ले लिया है, बारीक काट लें, चॉप हरी मिर्च 2 से 3, थोड़ा सा धनिया पत्ता, थोड़ा सा जीरा, सभी को एक बड़े से बॉल में मिक्स करना है। पहले हमने कुट्टू का आटा डाल दिया है, आलू डाल दिया है, फिर इसमें हरी धनिया, मिर्ची, जीरा, नमक डाल के थोड़ा थोड़ा पानी मिला के अच्छे से इसको मिक्स कर लें, जैसे आप बेसन का पकौड़ा बनाते हैं उसी तरीके से। अगर आपको चिली बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हैं, स्पाइसी कर सकते हैं। व्रत में खाई जाने वाली बहुत बढ़िया रेसिपी है, आप इसे घी में बनाएं, बहुत ही जल्दी बन जाता है। अब चलिए इसमें थोड़ा सा पानी मिलाते हैं। हमको थोड़ा थोड़ा ही पानी मिलाना है, वरना कुट्टू का आटा गीला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी मिला के हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स करने के बाद बहुत देर तक हमको छोड़ना नहीं है, मिक्स करने के बाद तुरंत ही पकौड़ा तल लेना है। अब मिक्सर हमारा रेडी हो चुका है, चलिए पकौड़ा तलते हैं। हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है, घी डाल दिया है, घी अब हमारा गर्म हो चुका है। चलिए अब इसमें हाथों में पानी लगा लगा के पकौड़ा हम डालते हैं। फ्लेम हमारी मीडियम होनी चाहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ किचन लैब विथ अनामिका को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। अब पकौड़ा हमारा एक साइड से पक चुका है, अब इसको पलट लेते हैं। आप सारे पकौड़ों को लो फ्लेम में ही तलें, बहुत ही झटपट एंड ईजी रेसिपी है, आप प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर करें। अब पकौड़ा हमारा रेडी हो चुका है, चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। इसी तरीके से आप सारे पकौड़े तल लीजिए। अब गर्मा गर्म हमारे पकौड़े रेडी हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब इसी तरीके से हम दूसरा बैच भी तल लेते हैं। अब पकौड़ा हमारा रेडी हो चुका है, चलिए अब इंजॉय करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।